जिले के झिरनिया क्षेत्र में 5 दिन पहले 8 साल के बालक की हुई निर्मम हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। शादी समारोह के दौरान अचानक लापता हुए बालक का शव दूसरे दिन खेतों के पास झाड़ियों में बरामद हुआ था। इस अंधे कत्ल को किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के परिचितों ने ही पिता से चली आ रही रंजिश में अंजाम दिया था। SP धर्मवीर सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ग्राम मानिकेरा में शांतिलाल के बेटे अजय अलावे उम्र 8 वर्ष को कोई अज्ञात व्यक्ति ने गला दबाकर मार दिया था। इस मामले में 2 संदेहियों शेरू रावत और रमेश चौहान निवासी कुसुम्बिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम देना कबूल किया है। शेरू रावत ने पुलिस को बताया कि मृतक अजय का पिता शांतिलाल से पुरानी रंजिश होने से और उसकी बीवी साइजू बाई भी बार बार साले शांतिलाल के घर भाग आती थी, जिसके कारण बदला लेने के लिए साले की तलाश में था, किंतु वह नहीं मिला। तब उसके लड़के अजय अलावे पर उसकी नजर पड़ी, तभी उसको एक तरफ बुलाकर शराब लाने हेतु पैसे दिए गए। जब वह शराब के क्वार्टर लेकर आया तो उसे शेरू और रमेश ने दोनों के बीच में बिठा लिया और शेरू रावत ने अजय का गला दबाकर हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। क्षेत्र में 22 दिसंबर को एक बहुत छोटे 8 साल के बच्चे की डेड बॉडी बरामद हुई थी। उसे पोस्टमार्टम कराया गया और बेसिकली वो स्ट्रैंगुलेट करके उसकी हत्या का मामला सामने आया था। इस मामले में झिरनिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी शेरू जो गिरफ्तार हुआ है वो मृतक बच्चे का सगा क्लोज रिलेटिव है। दूसरा आरोपी रमेश उसका साथी है। अभी जो मोटिव सामने आया है, बेसिकली इनकी पुराना पारिवारिक विवाद है, बच्चे के पिता के साथ आरोपी शेरू का कुछ विवाद है। उसी विवाद के चलते हुए सबक सिखाने की नीयत से और बदला लेने के लिए ये घटना की गई है। लेट नाइट आरोपी और मृतक बच्चे का परिवार भी शादी में आया हुआ था। बच्चा वहाँ ग्राउंड में खेलते हुए छूट गया था और वो बच्चों के साथ खेल रहा था। आरोपियों ने मौका देखते हुए उसे किनारे लेके गए, क्योंकि आरोपी परिचित थे इसलिए बच्चा स्वाभाविक रूप से उनके साथ चला गया था और एक सुनसान जगह पर ले जाके उसको गला घोंट के उसकी हत्या की गई थी। आरोपी गिरफ्तार हो गए, उनकी रिमांड लेके बाकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।